हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन पे क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। ये जो फंक्शन दे रखे हैं एक्स टी इजिकल्स टू मोड ऑफ टी, ये क्या मोड ऑफ टी है? ठीक है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है ना वो। सेकेंड है एक्स टी इजिकल्स टू 4/t2, इन दोनों का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। 11 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मैंने, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो अगर ध्यान से देखो पहले फंक्शन को, क्या पहला फंक्शन, अब प्रॉपर्टीज पे ही सारा क्वेश्चन करना हमको। ये दे रखा मोड ऑफ टी, तो जब मोड ऑफ टी को हम सोल्व करते हैं क्या होता है, इसकी वैल्यू जब टी से की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टी। और जब टी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस टी। अगर मैं इसी चीज़ को सिग्नल सिस्टम के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जब टी की वैल्यू जीरो से बढ़ी है तो वैल्यू टू टी है यानी इसका। तो इस वाली बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान से देख रहे हो, इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ही ध्यान से देखो। टी की वैल्यू जीरो से बढ़ी है तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे टी की वैल्यू जीरो से बड़ी का मतलब क्या, यू टी। तो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, टी यू टी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। जब टी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो मैं क्या लिख देता हूँ, यू ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो उसमें यू ऑफ माइनस टी के साथ लिख लूंगा इसको मैं, यू ऑफ माइनस टी। तो मेरा कहने का मतलब है जो मोड ऑफ टी फंक्शन है, अगर मैं सिग्नल सिस्टम जो हम पढ़ते हैं उसे मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, टी यू ऑफ टी, टी ऑफ यू टी प्लस प्लस करूंगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस टी यू ऑफ माइनस टी, ठीक है, इस टाइप से लिख लूंगा। तो टी मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा मोड ऑफ टी किसके इक्वल है, टी ब्रैकेट में यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी के, ठीक है। अब मुझे रिलेशन पता चल चुका है, एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, पूरा जो फंक्शन है टी से मल्टीप्लाई है। तो टी से जब मल्टीप्लाई होती थी तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, डिफरेंशिएशन हो जाता था, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। यूटी यूटी का हमें पता निकालना कैसा आता है, और यू ऑफ माइनस टी निकालूंगा तो टाइम रिवर्सल, देखो दो दो प्रॉपर्टी का यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं बस इसको क्वेश्चन सोल्व की तरफ। तो हमें पता है पहले यूटी का निकालता हूं मैं, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता ही है, जो हमने इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी थी वहां पे मैंने इसको प्रूफ किया था। क्या आया था आंसर, 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ये आया था, ठीक है। अब मुझे चाहिए यू ऑफ माइनस टी का, तो यू ऑफ माइनस टी का मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बाय टाइम रिवर्सल, क्या लगाऊंगा मैं, टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दे, अब लगा दूंगा जब टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल में क्या होता, अगर माइनस से वो करा तो ओमेगा आ जाए, माइनस से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, जहां पे ओमेगा वहां पे क्या लिख लूंगा मैं, माइनस ओमेगा पाई डेल्टा माइनस ओमेगा, यहां पे प्रॉपर्टी लिख लो बाय टाइम रिवर्सल, ठीक है, बाय टाइम रिवर्सल, ठीक है। सब पढ़ के आए इसको, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। यू ऑफ माइनस टी किसके इक्वल आ जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये माइनस तो बाहर आ गया, माइनस 1/j ओमेगा लिख लो उसको, प्लस पाई डेल्टा, ये डेल्टा माइनस ओमेगा, डेल्टा ओमेगा का इक्वल होता है इवन फंक्शन, ठीक है। हमें पता है डेल्टा माइनस ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओमेगा के, इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, वहीं पे ये बताया अभी तक। तो हमें यू टी माइनस यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, दोनों को मैं घटा दूंगा, उसके बाद मैं टी से मल्टीप्लाई जो करने पे ऑपरेशन बनेगा उस चीज़ को बात करेंगे। यू टी माइनस यू ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, जो यू टी का ट्रांसफॉर्म है उसमें यू माइनस टी को घटा दूंगा, तो यू टी का था 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक है। इस मैसेज से क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा यू माइनस टी के को, कितना आता है वो, माइनस 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो मैंने, यू टी माइनस यू ऑफ
माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको सॉल्व करो, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, वन अपॉन जे ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस का पाई डेल माइनस ओमेगा। तो ये पाई डेल ओमेगा तो माइनस पाई डेल ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब ये वन अपॉन जे ओमेगा प्लस वन अपॉन जे ओमेगा कितना हो जाएगा, वन अपॉन सॉरी टू अपॉन जे ओमेगा, तो इसको मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ। तो यू टी यू ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, टू अपॉन जे ओमेगा, ठीक है। हमें चाहिए था टी मल्टीप्लाई हुआ है यू टी माइनस यू टी का क्या होगा, ठीक है। क्या चाहिए था हमें, यहाँ पे ध्यान से देखो, टी मल्टीप्लाई बाय कहाँ गया, यहाँ पे देखो टी मल्टीप्लाई बाय यू टी माइनस टी का क्या होगा, तो हमें यू टी माइनस यू माइनस टी का तो पता चल चुका, जब टी से मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा, ठीक है। जब टी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में, मैंने बताया था जब टी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब टी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में तब क्या होता है, जे से तो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और उस वाले फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा, जे से मल्टीप्लाई हो जाती है और जो फंक्शन एक्स ऑफ ओमेगा हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, अगर टी की पावर वन से क्या तो दो से क्या तो दो बार डिफरेंशिएशन और जे का स्क्वायर, ऐसे ही टी की पावर एन से क्या तो जे की पावर एन, एन टर्म डिफरेंशिएशन। तो मैं जब इसमें एन की मल्टीप्लाई इसमें टी की मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा मेरा, जब मैं इसमें टी की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मेरा पूरे फंक्शन में, यू टी माइनस यू माइनस टी, मैं जब मैंने टी की मल्टीप्लाई करी तो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसमें क्या फ़र्क आएगा, जे से, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी ओमेगा, ये मेरा क्या एक्स ऑफ ओमेगा ही तो है, ये मेरा एक्स टी है, ठीक है, ये क्या मेरा एक्स टी, ये मेरा क्या एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे इसका मुझे क्या लेना, डिफरेंशिएशन टू अपॉन जे ओमेगा, ठीक है। तो टी यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जे मेरा अंदर से टू अपॉन जे तो कॉमन ले लूं, डी अपॉन डी ओमेगा, ये बच्चा वन अपॉन ओमेगा का कर दो डिफरेंशिएशन, जे से जे कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे जे से जे कैंसिल हो गया, टी यू टी माइनस यू माइनस टी इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसके इक्वल है, वन अपॉन ओमेगा का फोरियर डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसको लिख लो ऐसे, ओमेगा की पावर माइनस वन हो जाएगा, ये लगा दो उसमें पावर रूल, तो माइनस वन ओमेगा की पावर माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे फिलहाल, ये तो क्लास इलेवंथ या इलेवंथ में भी है ट्वेल्थ में भी दोनों जगह पढ़ाया जाता है, दोनों जगह की बात है, ठीक है। यहाँ तो ये तो लेवल बहुत आगे आ चुका। तो यहाँ से हमें टी यू ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना आ गया, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये टी यू टी माइनस यू माइनस टी जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, मोड ऑफ टी की, यानी मोड ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमने निकाल डाला है, कितना आया, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दूसरा पार्ट जो पूछा था उसमें कुछ नीचे टी स्क्वायर आ रहा था, क्या आ रहा था डिनोमेटर में, टी स्क्वायर। तो अगर टी स्क्वायर आ रहा था तो तुम्हें दिख रहा होगा फोर अपॉन टी स्क्वायर है दूसरा, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स टी इक्वल्स टू फोर अपॉन टी स्क्वायर का मुझे निकालना, तो प्रॉपर्टी देखते ही समझ आ गई होगी और मैंने इसलिए साथ में लिया इसको, यहाँ पे देखते ही समझ आ गया होगा जिसने मेरे पुराने वीडियो देखा, एक्स टी की वैल्यू कितने देखी है, फोर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है टी स्क्वायर, जब ऐसे ऐसे सेम टर्म मिले हमें टी और ओमेगा के की वैल्यू सेम हो तो हम उन्हें पलट देते हैं, पलटने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ड्यूलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें पता है ड्यूलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द
तो ड्यूलिटी प्रॉपर्टी जो कहते हैं, यहाँ पे देखो ड्यूलिटी का मैं डायरेक्ट, चलो मैं पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, देन एक्स ऑफ ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर देता था, टी से, टू पाई से मल्टीप्लाई, और ये स्मॉल एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और टी को रिप्लेस करते थे माइनस ओमेगा से। ये क्या हमारी ड्यूअलिटी, ठीक है, ये क्या ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, बेटे ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी इसी तरीके से यहां पर कर लेंगे। देखो मोड ऑफ टी का जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया वो क्या आया मेरा, मोड ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना आया, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाय फॉर ड्यूअलिटी, ये क्या आ जाएगा ओमेगा को मैं इधर ले आऊंगा, ओमेगा जाके आ जाएगा टी आ जाएगा, माइनस टू अपॉन ओमेगा का स्क्वायर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है टू पाई से मल्टीप्लाई, जो भी ये फंक्शन है इसमें क्या कर दूंगा मैं टी की जगह माइनस ओमेगा रख दूंगा, ठीक है, ये कर रहे हैं देखो यहाँ पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, माइनस टू अपॉन ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है कितने आ गई, टू पाई मोड ऑफ ओमेगा माइनस को तो ये प्लस बना देगा एब्सोल्यूट, ठीक है, जो मोड होता है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बना देता है, लेकिन हमें चाहिए फोर अपॉन टी स्क्वायर का, तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैं क्या करूंगा किसी नंबर को ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, जो मेरे मुझे क्या मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड में फोर अपॉन टी स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस टू ताकि ऊपर फोर बन जाए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ क्या कर देता हूँ माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस टू से क्या कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे तो चाहिए फोर अपॉन टी स्क्वायर, ये बायलिनियरिटी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ये चीज किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो कर डालो उसमें, लिनियरिटी प्रॉपर्टी तो कहती है ये बात, ये कितना आया टू इंटू टू पाई मोड ऑफ ओमेगा, इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा माइनस टू की इससे की तो हो गए फोर अपॉन टी स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म, माइनस टू की टू पाई से की तो आ जाता माइनस का फोर पाई मोड ऑफ ओमेगा, ये इसका आंसर है। देखो तो मैं उल्टे फॉर्मूले दोनों तरीके से याद करने पड़ेंगे, मतलब उसका सीधा भी और उल्टा पार्ट भी, अगर इतना याद है ना तो झट से कर दोगे इन क्वेश्चनों को, इसमें फिर ज्यादा कुछ है नहीं करने का, ठीक है, मैंने कहा था ड्यूलिटी प्रॉपर्टी तो इसकी फेवरेट रहती है कॉम्पिटिशन वाले की, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।